वो दिन आ गया क्योंकि हम लोग आज फाइनल रिपोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप लोग को, अच्छे से लिखना और हमको भी बता देना एग्जाम उग्जाम में पीछे बैठो गई। तीन घंटा इतना लिखा ना भाई, इतना लिखा, 3 घंटा तक लगातार पेपर में लिखा भाई, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा किया। तो लोग आज ऐसे वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप लोग, आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज वो दिन आ गया क्योंकि आज वो दिन आ गया क्योंकि हम लोग आज फाइनल रिपोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। और गाइस अभी सुबह के बजे हैं 6:30, मैं 5 ही बजे उठ गया था, पढ़ाई कर रहा था उठ के, कल रात में 1 बजे पढ़ के सोया हूँ, लेकिन आके सुबह थोड़ा सा बचा होता है तो रिविजन फिर किया फटाफट। अभी तो बहुत फ्रेश व्रेश हो गए और ये भाई बहुत तगड़ी वाली भूख लगी क्योंकि मैं रात में, मैंने सोचा रात भर ही जागा था भाई, पढ़ाई कर रहा था रुक के, फिर बहुत तगड़ी वाली भूख लगी। पहले कुछ खाए नहीं, फिर पहले तैयार होते हैं और 8 बजे से निकलना है क्योंकि 10 बजे का है ना, तो 8 बजे से हम लोग लिख लेंगे सबको, ले लाके सबको ले लेंगे, लेके लिख लेंगे। और गाइस फाइनली यार भाई दुआ करो यार कि पास हो जाए बस एग्ज़ाम में। तो ठीक है फिलहाल तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई देखो अभी रेडी चिड बड़ा अच्छा लग रहा है कि यूनिफॉर्म पहनने में, और गाइस यूनिफॉर्म फिर टाइट हो गए यार क्योंकि वेट वेट ज़्यादा बढ़ गया ना, अब एग्जाम पास से वेट कम करने पर लग जाएंगे। और देखो आज वॉच वही दूसरी वाली पहनी है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज अलाउ नहीं है, तो ये वाला वॉच लेके जा रहे हैं, टाइमिंग देखेंगे। तो गाइस ठीक है फिलहाल अभी लगी तगड़ी वाली बुक, तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट आ चुका है, बस अभी कॉफ़ी मैंने हार्ड वाला लिया और अभी बॉयल होने के लिए अंडे रख दिए हैं, गाइस क्योंकि हार्ड वाला ब्रेकफास्ट करोगे ना तो बढ़िया लगेगा। और अभी मैं ना ब्लॉग बना रहा हूँ, पीछे मेरा आई कार्ड टाइट हुआ था, मुझे याद है कि आई कार्ड भी पूरा पहनना भाई क्योंकि वहाँ पे मेंशन है एडमिट कार्ड में, तो मस्त इसको पीते हैं। और गाइस जितने सामान वामान है सारा रिचेक करना है कि सब सेट रखेंगे क्योंकि कल रात में मैंने अपनी स्कूटी में सारा चीज़ रख दिया था, तो रिचेक कर लेंगे। तो मस्त इसको फिर करते हैं, अंडे हो रहे हैं खाते हैं और फिर सबको फ़ोन करेंगे भाई। मतलब ब्रेकफास्ट में हो चुका है, अंडे वंडे खा लिए और अभी अपनी स्कूटी में सब चीज़ चेक कर लेते हैं भाई, सब चीज़ रखेंगे नहीं, फिर 1 घंटा बचा हुआ, आधा 1 घंटा और सारी भेजेंगे। सब सब चीज़ रख दिया हुआ, पेन वन सब रख दिया इसमें और बॉक्स में सब चीज़ रख दिया भाई, और अभी 1 घंटा बचा हुआ ना तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। और भाई मौसम देखो थोड़ा सा हल्के हल्के, मतलब हल्के हल्के भी धूप निकलना स्टार्ट हुई है, तो इसी वाले मौसम में लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे, तो थोड़ा सा थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं सबको। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया और एक कार्ड पर भी लगा लिया, सबको फ़ोन करके बोल दिया भाई भाई जो चलेगा साथ में फ़ोन करेगा, तो सबको ही सेट हो गया। मैं सैफ अरमान 3 लोग जा रहे हैं साथ में और उधर से मेरे पास साथ में था, तो फटाफट चलते हैं मतलब रिविजन करते हैं निकलेंगे भाई। आगे तो अरमान घर पे है, देखो सैफ को भी ले लिया और पहली बार अन्नत हम लोग ब्लॉग में आ रहे हैं और अरमान देखो वहाँ से आ रहा है भाई हेलमेट में लगा के। तो भाई ऑल द बेस्ट आप लोग को, अच्छे से लिखना और हमको भी बता देना एग्जाम उग्जाम में पीछे बैठोगे ही। तो भाई फटाफट चलते हैं, अभी 8 बजे हैं तो 2-2.5 घंटे बचे हैं, तो आराम से धीरे धीरे जाएंगे और पहुँचेंगे, तो वहाँ ब्लॉग व्लॉग करेंगे। देखो अरमान आ रहा है मतलब हेलमेट लगा के, तो भाई चलते हैं। और जो यूपी बोर्ड टीबी बोर्ड में है तो ऑल द बेस्ट भाई आप लोग को। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 10-15 मिनट का रास्ता है। और अरमान भाई ऑल द बेस्ट आपको, गॉड गुड मॉर्निंग भाई। और देखो वहाँ से आप कुछ ले रहा मतलब खाने पीने के पानी वानी, क्योंकि 2-3 घंटे का दुकान है ना, अभी टाइम बचा हुआ है तो खावा लेंगे, कोई खा के नहीं कुछ है, बस मैं ही खा के आया हूँ। और अरमान भाई भाई हार्ड ब्रेकफास्ट करके आए भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अभी बजे 2:50 हो रहे हैं और अभी मैं आ रहा हूँ अभी स्कूल, मतलब एग्जाम देके गाइस थी ना ब्लॉग आगे नहीं छूट के मोबाइल सबमिट हो गया था, तो ब्लॉग छूटने हुआ है, तो अभी हम आ रहे हैं घर। और गाइस आज 3 घंटा इतना लिखा ना भाई, इतना लिखा, 3 घंटा तक लगातार पेपर में लिखा भाई, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा किया, अच्छा पेपर आज गया। अब 4 तारीख को साइंस है, अभी बहुत तगड़ी वाली लगी बुक, तो भाई अभी फिलहाल कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। लेकिन एग्जाम यार फर्स्ट एग्जाम बहुत मस्त गया भाई, देखो खाना वाना खा के आ गए 6 और अभी बज रहे हैं 4। और ये देखो भाई साहब आज कोचिंग नहीं गए और यहाँ पे आ रहे उड़ा रहे ड्रोन, और अभी अम्मी आएंगे तो ये खाएंगे लास्ट भाई साहब। तो गाइस उड़ाना तो सीख लिया, उड़ा ले ड्रोन अब तो मस्त उड़ा रहा है, तो सिनेमैटिक चेक करो मस्त। भाई साहब अभी देखो आ गए थे थोड़ा सहारा स्टेट, और सहारा स्टेट पहली बार हम लोग आ रहे हैं, मतलब हम तो आता हूँ आप लोग ब्लॉग में पहली बार चला रहा हूँ, क्योंकि सहारा स्टेट ना गाइस नौका बिहार के एक आइलैंड टाइप में, क्योंकि पूरा पानी है, मतलब जो व्यू दिखलाना है आपको भी दिखलाएंगे ये वाला है, मतलब यहाँ पे पहले बैठने का सिस्टम था, मतलब वो तला के बुलाएं, उधर पूरा कॉलोनी टाइप में है और ये पूरा भाई पूरा मतलब वहाँ पे है भारत माता का मतलब पुतला उतला और जो स्टैचू है वहाँ पे। और गाइस ये वाली व्यू के लिए आए थे भाई, ये वाली इस वाली व्यू के लिए आए थे भाई ये। और गाइस फर्स्ट पेपर दे के आए थे ना, थोड़ा सा
बहुत दिन से घूमे नहीं थे इसलिए हम लोग आए थे। और गाइस फर्स्ट पेपर इतना मस्त गया था इंग्लिश का आज कि मज़ा आ गया भाई। मतलब 3 घंटे तक मैंने पूरा लिख डाला, पूरा का पूरा एक पेपर है। और भाई पहली बार नहीं, मतलब कभी पेपर देने से घबराहट ही नहीं होती मुझे। तो गाइस मस्त पेपर गया। अब 4 तारीख को साइंस का है, वो भी शायद अच्छा जाए यार। तो गाइस अभी फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, आज शाम तक पोस्ट हो जाएगा। फिलहाल वीडियो ही करते हैं, आप लोग पसंद है तो पसंद है, लाइक कर दो यार। चलो अपना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, बाय।